हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोबान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ड्रेन की कंप्लीट सफाई। अच्छा, ऐसे होता है घरों में अक्सर कि हम अपनी पॉकेट्स नहीं चेक करते कपड़ों की, और साथ में बेडशीट्स के साथ कुछ सेफ्टी पिन्स वगैरह लगी रह जाती हैं। ये सेफ्टी पिन्स और कॉइन्स वगैरह अक्सर मशीन में उस वक्त तो सफाई में मसला नहीं करते, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो वो चीज़ें हमारी ड्रेनेज में चली जाती हैं और ड्रेन के अंदर जो उसका एक स्प्रिंग होता है वहां पर ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से मशीन हमारी पानी स्टोर नहीं कर सकती और हमें E4 एरर का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी टेक्नीशियन को घर बुलाने की जरूरत नहीं है और ये मसला आप खुद हल कर सकते हैं। तो चले आइए और देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वॉशिंग मशीन के वाटर इनलेट को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद मशीन को उठाने के बाद इसके अंदर एक शीट लगी होती है, उसको आपने बहुत आसानी से हाथ से ही रिमूव कर देना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से अब वॉशिंग मशीन की ड्रेन को कंट्रोल किया जाता है। अब ये मैंने आपके सामने रेड एरो से इंडिकेशन शो की है। अब मैं इसको ओपन करूँगा और हम इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है स्प्रिंग और रबड़ जो मूव करता है इन एंड आउट, और इससे आपका वाटर की एग्जिट को कंट्रोल किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ से पीछे इसकी मोटर अटैच है जो इसको वायर की मदद से खींचती है और आपकी पानी को कंट्रोल किया जाता है। ये अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस ड्रेनेज में कितना गंद फंसा हुआ है। ये देखिए, सेफ्टी पिन्स हैं और साथ में कॉइन्स वगैरह भी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसकी एक क्लोजअप पिक्चर दिखा दूं ताकि आप अच्छे से देख सकें कि टाइम के साथ साथ अगर कपड़ों की पॉकेट्स का ख्याल ना किया जाए तो वॉशिंग मशीन में कैसे चीज़ें फंस सकती हैं। ये देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर कॉइन और सेफ्टी पिन फंसी हुई है। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि स्क्रू की मदद से और कपड़े की मदद से अच्छे से साफ कर लूँ। ये देखिए, अब आपके सामने ये बिल्कुल साफ हुआ ड्रेनेज होल आ गया है। अच्छा, इसको फिक्स करने से पहले आपको सबसे पहले जो रबड़ की स्प्रिंग लगा हुआ है इसको आप अच्छे से साफ कर लें ताकि इसमें भी कोई भी कसर ना रह जाए। कोशिश करें अगर आप इसको टूथब्रश पुराना लेके साफ कर लें तो भी बेहतर है। ये देखिए, इसको दोनों साइड से, हर तरफ से, आगे पीछे से जो वाइट पार्ट है उसको भी अच्छे से सफाई कर लेंगे। अब इसको हम मशीन में फिक्स करते हैं। अच्छा, अब आपने एक और से समझना है कि हमने इसको फिक्स करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम की स्टील की आपको एक जगह नजर आ रही है, इसको आपने सबसे पहले अपने स्प्रिंग को, रबड़ को अंदर डालना है। उसके बाद इसके एल्यूमिनियम वाली जो स्ट्रिप्स निकली हुई है उसको उसके दरमियान में डाल देना है, और उसके बाद आपने इसका स्क्रू टाइट करना है। अच्छा, आपने इसका स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस आपने इसको हाथ की मदद से एक नॉर्मल सा प्रेशर देकर टाइट करना है। ये देखिए, अब ये टाइट हो गया है। अब इसको टाइट करने के बाद आपने जो ड्रेनेज की मोटर है उसके ऊपर एक स्ट्रेच वायर लगी हुई है, आपने उस स्ट्रेच वायर को इसके अंदर लाजमन ध्यान से फंसा देना है। ये भी बहुत आसान काम है, आपको देखकर समझ आ जाएगी। आपने इसको अंदर फंसा देना है तो हमारे पास ये फुली फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अब वापस आपने इसकी जो शील्ड है उसको फिक्स कर देना है। हाँ, एक बात का आपने ख्याल जरूर रखना है, मशीन को वापस एक्टिव करने से पहले आपने जो इसका वाटर इनलेट में स्प्रिंग होता है उसको अच्छे से साफ करना है। उसको साफ करने के बाद ही आपने इसको फिक्स करना है मशीन को, अदरवाइज इसके अंदर वाटर के प्रेशर में कुछ मसला आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अब आप इस काबिल हैं कि आप मशीन की ड्रेनेज को खुद से सफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज और बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।